सियाराम दोस्तों, महर्ष दधीच के बारे में आखिर कौन नहीं जानता। श्री नैमिषारण्य धाम से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे मिश्रित तीर्थ है यहाँ पर, और यहीं पर है दधीच कुंड। जी हाँ, महर्ष दधीच जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया था और उनकी हड्डियों से वज्र और पिनाक जैसे धनुष बने थे, आज हम आपको उसी स्थान का दर्शन कराने जा रहे हैं। आप यह जो दधीच कुंड देख रहे हैं, यहाँ पर कई करोड़ों तीर्थों का जल यहाँ पर उपलब्ध है। आप सुनिए, आप लोग सभी लोग 2 मिनट तीर्थ के बारे में महात्म सुने महर्षि दधीच का, और बाद में तीर्थ का जल स्पर्श करें। 2 मिनट का आप लोग समय दें तो तीर्थ के बारे में 2 शब्द महात्म सुने आप लोग। बोले महर्षि दधीच की जो ये जो तीर्थ है, ये मिश्रित तीर्थ दधीच कुंड है, यहीं पर महर्षि दधीच के लिए आकाश पाताल मृत लोग के 3.5 करोड़ तीर्थों का जल देवताओं के द्वारा लाया गया। महर्षि दधीच जी ने समस्त तीर्थों का स्नान किया। महर्षि दधीच जी ने अपने शरीर में दही और नमक लगा के इंद्र की सुरागाइयों से शरीर कटवा दिया। हड्डियां जो थी परमार्थ में देवराज इंद्र को दान में अर्पित कर दिया। उन्हीं की हड्डियों से गढ़ के वज्रों का निर्माण किया गया। उनके नाम गांडीव, पिनाक, सारन और वज्र शक्ति हुए। गांडीव प्रथम में अग्नि देवता ने लिया, फिर अर्जुन को दिया गया, महाभारत को विजय किया। पिनाक जो सीता स्वयंवर में जनकपुर में तोड़ा गया, वो भी महर्षि दधीच जी की हड्डियों का पिनाक था। सारंग विष्णु भगवान ने लिया, फिर आदिशक्ति भगवती ने लिया, सम निशुण रक्त की देवियों का संहार किया। वज्र शक्ति देवराज इंद्र ने लिया, जिससे वृत्तासुर नामक देव का वध किया गया। आप अन्य किसी तीर्थ में जाएंगे, स्नान मार्जन दान दर्शन करेंगे, मात्र 1 तीर्थ का फल मिलेगा, लेकिन ये मिश्रित तीर्थ में स्नान मार्जन दान दर्शन करने से 3.5 करोड़ तीर्थों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दधीच जी का जो प्राण निकला, वो भगवान विष्णु की आत्मा में मिल गया। वह आवागमन से रहित होकर दधीच जी स्वयं भगवान हो गए। बोलो महर्षि दधीच की। अब आप लोग चप्पल जोड़ा उतार दें, तीर्थ का जल माथे से लगाएं ऊपर सिर के, और 2 बूंद मुख में डालें, हृदय में भगवान का वास, और लौट के आए जो आपका चौथा। मित्रों देखिए, यहाँ पर एक दधीच कुंड का बोर्ड भी लगा हुआ है, और इस पर लिखा हुआ है कि जब इंद्र ने महर्षि दधीच से उनके हड्डियों का दान मांगा था, तो दधीच जी को बहुत प्रसन्नता हुई थी कि जन कल्याण के लिए वे अपने शरीर को त्याग रहे हैं। परंतु दधीच जी ने एक इच्छा जाहिर की थी कि यदि हमें सारे तीर्थों का दर्शन करना है, तो सारे तीर्थों के जल को यहीं पर मंगा लिया गया था, और फिर इस कुंड में महर्षि दधीच ने स्नान किया था। आइए हम आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। मंदिर के अंदर आपको कुछ ऐसा दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, एक छोटा सा मंदिर यहाँ वीरभद्राय नमः का आपको दिखाई पड़ रहा है, और ये आप चारों तरफ दर्शन कर पा रहे हैं। ये एक प्रवेश द्वार जैसा बना हुआ है, और जूते चप्पल आपको यहीं पर निकालने होंगे। इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पर महर्षि दधीच जी का मुख्य मंदिर है। ये आप देखिए, यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक मंदिर बना हुआ है लेकिन बाहर से ताला लगा हुआ है, और मोर बैठा हुआ है। आप ध्यान से देखिए इस मंदिर के अंदर, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यही मुख्य मंदिर है दधीच जी का, और 2 गज बाहर गेट पर खड़े हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं ये भगवान विष्णु की बड़ी अलौकिक दिव्य प्रतिमा मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। आप दर्शन कर पा रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इधर भी आप मंदिर का दर्शन कर रहे हैं।
देखिए इस बोर्ड पर लिखा हुआ है परम शैव अवतार विष्णु के मूर्ति के मान विज्ञान, भगवान विष्णु की मूर्ति थी और ये महर्षि दधीच जी के अस्थियों से निर्मित सारंग धनुष जो भगवान विष्णु का था उसकी बारे में बताया गया है। भगवान विष्णु का भी यहाँ पर मंदिर दिख रहा है आपको।